हेलो गाइस, वेलकम बैक। डीएमआरसी के ये कुछ क्वेश्चंस जो 9 तारीख को 8 तारीख को आए हैं, निखिल राठे ने अभी कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। मैं वेट कर रहा था 2-3 दिन और का, क्योंकि तो जो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 12, 11, 13 को एग्ज़ाम्स हैं, तो मैंने लगा कि एक साथ कंबाइन करके सबको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि 20 तक एग्ज़ाम वालों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। बट कोई नहीं, मैं आज ही कर रहा हूँ। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे दिखे डीएमआरसी एग्जाम में पूछे गए वो, अच्छा हाँ एक बात बता देता हूँ मैं कि इंग्लिश थोड़ा आसान आ रहा है जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स थोड़े से हार्ड हैं। ठीक है, तो लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं जीके के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कुछ इंग्लिश के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने आंसर्स भी डाल दिए हैं ताकि एक बार रिवाइज भी आप कर लें। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पे क्वेश्चन था, और आपको पता ही है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया है, और हमने अभी डीएमआरसी के जीके सीरीज में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इंडिया जापान पावर ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पर हुआ था, तो ये इनॉग्रेट किया गया था पानीपत में, जो कि हरियाणा में है, और किसके हेल्प से किया गया था, जापान के ऑलरेडी ये दिया हुआ था, और वहाँ के मिनिस्टर केनिको सेन के द्वारा और मनोहर लाल खट्टर जो कि चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। चलते हैं आगे, अगला स्लाइड देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट चाइनीज विजिटर इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अपने जो एवरीडे जीके का सेक्शन में। आपने अगर हमारा वीडियो देखा है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस लगभग आपको मिल जाएंगे। तो फाहिम सबसे पहले आए थे, और 399 AD to 412, और ह्यूमन सैंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो बाद में आए थे। ठीक है, और बुद्धिस्ट साइड मतलब इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका बहुत जगह वो गए थे पैदल, चाइना से इंडिया आए थे। तो पहला कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसका सबने करेक्ट आंसर किया होगा। पाटलिपुत्र जो कि पटना या कुसुमपुर भी बोलते थे, गुप्ता एम्पायर का मेजर जगह ये रहा था, यहीं से उन्होंने अपना किंगडम को प्रोपागेट किया था। और जो गुप्ता एम्पायर था, आपको पता है गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। चलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन, तो जैसे आज की वीडियो में हमने पिन वैली किया, उससे पहले भी हमने काजीरंगा भी किया था, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और जो वन हॉर्न राइनोज होते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो वॉल्यूम वाइज ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी इंडिया की है, जिस पानी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ फ्लो होता है। ठीक है, विच इज द फाइनेस्ट फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ये तो एक सामान्य जीएस का क्वेश्चन। चीता को फास्टेस्ट एनिमल किया गया कहा जाता है, और ये एक रिकॉर्ड सेट किया गया था एक सारा नाम के चीता के द्वारा, 61 miles per hour, 61 into 1.6 कर लीजिएगा, जो किलोमीटर में आएगा वो आंसर होगा, मतलब किलोमीटर पर आवर में। चलते हैं आगे, रॉयल ओपेरा हाउस इज लोकेटेड इन विच सिटी, रॉयल ओपेरा हाउस इंडिया में सिर्फ एक जगह पे है, वो है मुंबई में, और कौन थे इसके आर्किटेक्ट, तो मोराइस बैंडमैन और जहांगीर फ्रॉम जी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था 1909 में, और लंदन में सबसे पहला ओपेरा जहां तक मुझे याद आ रहा है वो लंदन में था शायद। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ गूगल, तो गूगल के प्रेजेंट सीईओ सुंदर पिचाई हैं, और पिचाई सुंदर राजन इनका पूरा नाम है, और बाकी इनके बारे में हमने तो डिस्कस किया ही था, फाउंडर्स और जो हमारे सीईओज का जो वीडियो था अभी कुछ दिन, लगता है सवा महीना पहले मैंने सबका डाला था वीडियो, ऑल इंक्लूडिंग जितने भी ई कॉमर्स कंपनी उस पर भी डाले थे, तो वहां से आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो जीके आप देखिए, हमारे जो वीडियो सीरीज हैं उनसे बहुत सारे जीके मिल रहे हैं। विच स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स, तो प्रेजेंटली केरला की रोड डेंसिटी अभी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 5,268 kilometers per 1,000 square kilometers, that surpasses most of the state, maximum sub state से ज्यादा है ये। और later on महाराष्ट्र वगैरह भी third fourth number पे, मुझे exactly अभी याद नहीं है present scenario, लेकिन केरला सबसे ऊपर है। Who won the Korean Open Badminton Championship, पिछले साल का ये current affair का section है, और September के महीने का, और Korean Open किसने जीता था, PV सिंधु ने जीता था। ठीक है, विच आर्टिकल करस्पॉन्ड टू राइट टू इक्वालिटी, पॉलिटी, यार हमने रिवाइज किया है, हमने बहुत सारे वीडियोज डाले हैं, आपने देखा होगा, तो 14th आर्टिकल कहता है कि राइट टू इक्वालिटी। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन लोकसभा पे था, लोकसभा से मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं है क्या था, बट रिलेटिंग कुछ करंट अफेयर से
था लोकसभा में, स्पीकर को लेके था या सेक्रेटरी जनरल कुछ तो लेके था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, 12 मेंबर किए जाते हैं जिसमें से दो एंग्लो इंडियन से किए जाते हैं, आई मीन एंग्लो इंडियन सोसाइटी से इलेक्ट करते हैं। एक जो मैथ्स का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था वो ये था कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट 190 एक्सपीरियंस मतलब 190 रुपये बेचने में 5% का लॉस होता है, तो एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल सो दैट ही कुड गेन 10% 10% प्रॉफिट हो। तो पहले आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद 110 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको निकालने के बाद तो आपका जो ओरिजिनल प्राइस है वो निकल जाएगा, मतलब गेन 10% गेन के बाद जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ओके दिस इज आइटम एंड फ्रेजेस। एंचली हिल्स, देखिए ये क्वेश्चन मैंने जब डीएमआरसी का इंग्लिश शुरू किया था तब भी बताया था, इसी के बीच में आपको मिल जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन जो दिख रहा है, बोर्ड फ्रॉम ब्लू मतलब आकस्मिक मुसीबत या विपत्ति इसको बोलते हैं, एचली हिल्स का मतलब होता है छोटी लेकिन बहुत फेटल कमजोरी, जिसको कहते हैं ना फेटल वीकनेस, वो तो ये तो हमने हाल ही में डिस्कस किया था भाई, जो टेस्ट हमने क्रिएट किया दिया था आपको। स्टोन थ्रो का मतलब ये भी हमने करा, वाइड एंड फ्रेजेस सेंटेंस के फॉर्म में, मतलब बहुत नजदीक कोई है, बहुत पास में कुछ है, तो उसको स्टोन थ्रो कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में काफी क्वेश्चन हमारे वीडियोस से आए, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है ये, तो खैर ये सब तो हमने डिस्कस नहीं किया था, रीजनिंग का पार्ट काफी पार्ट छूटा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार जब डीएमआरसी का एग्जाम होगा तो हम पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक कवर करके रखेंगे। तो 200 से 170 फिर 145 फिर 125 फिर 110, तो आप निकाल लीजिए, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, किस रेशियो में घट रहे हैं उस रेशियो में। फॉक्स इज टू विक्सन देन, तो क्या यहाँ पर सही होगा, अगर फॉक्स विक्सन, फॉक्स और विक्सन में रिलेशन क्या होता है, फॉक्स मेल को कहते हैं और विक्सन फीमेल को कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हॉर्स और मेयर, ठीक है, हॉर्स मेल को कहते हैं, मेयर फीमेल को कहते हैं, तो आंसर इज Horses to mare. Okay, तो ये कुछ questions थे friends जो share करने लायक थे, और जैसे जैसे जो मेरे students हैं वो exam देंगे, मैं आपके साथ बाकी के questions भी share कर लूंगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत तो help करेगा, और इस हिसाब से आप अपनी preparation कीजिए। जीके में अगर अभी भी doubt है तो कुछ playlist को जाकर अभी भी बस ऐसे ही, मतलब अगर आप फ्री हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देख ही रहे हैं कि जीएस से हमारा कितना क्वेश्चन आया हुआ है, हमने सारा डिस्कस कर रखा है अपने प्लेलिस्ट में, जो भी हमने डीएमआरसी का वीडियोस क्रिएट किया, और इनफैक्ट उसके पहले जो हमने एवरीडे जीके के सेक्शन में इतने सारे जीके क्वेश्चन है, तो जाइए और जाकर पढ़िए, अभी भी समय है, जिनका 7-8 दिन बाद है तो, और टेक्निकल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक ठाक लेवल है, तो ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर है, कहीं पर हार्ड है कहीं पर इंग्लिश थोड़ा आसान है, तो हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।